बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपने इस नए लेक्चर में डिटरमिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स, यानी डिटरमिनेंट्स हमारे पास होते क्या हैं। तो आइए हम समझते हैं डिटरमिनेंट्स। बेसिकली डिटरमिनेंट्स हमारे पास हमेशा मुरबे कालबों का ही होता है। मुरबे कालबों का ही हम डिटरमिनेंट्स लेते हैं। डिटरमिनेंट्स क्या है कि अगर कोई कालब ए है मेरे पास, जैसे ए बी सी डी, इसका मैं डिटरमिनेंट कैसे ले सकती हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं, किसी भी कालब के डिटरमिनेंट को इस तरह प्रेजेंट करते हैं, या डिटरमिनेंट ऑफ ए कालब, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कालब, कालब ए का मक्ता, ठीक। अब इस मैट्रिक्स का, इस कालब का मैं अगर डिटरमिनेंट लूँ, कैसे लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर है, सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए को डी से ज़रब देंगे, फिर सी को बी से ज़रब देंगे। कैसे करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए इंटू डी, यानी ए ज़रब डी माइनस लगा के सी ज़रब बी। इस तरह से हम किसी भी कालब का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं कि ए ज़रब डी माइनस लगा के सी ज़रब बी। ये हमारे पास कालब का डिटरमिनेंट है। मुरबे कालबों का हमेशा डिटरमिनेंट लिया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास कि ए कालब है 2, 3, 4, 5। अब अगर इसका मैं डिटरमिनेंट मालूम करूं, फर्स्ट एंट्री को ज़रब देंगे आखिरी एंट्री से, 2 ज़रब 5 माइनस 4 ज़रब 3। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि ए ज़रब डी माइनस सी ज़रब बी, इसी तरह 2 को ज़रब दिया 5 से, 2 5 10 माइनस 4 3 12। जब हमने 12 से 10 माइनस किया 2 आया, क्योंकि 12 हमारे पास बड़ी अदद है, उसके साथ माइनस साइन था, इसलिए हमने इसके साथ भी माइनस लगा दिया, ठीक। तो इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेते हैं कि फर्स्ट एंट्री को ज़रब देंगे लास्ट एंट्री के साथ, फिर माइनस लगा के थर्ड एंट्री को ज़रब देंगे सेकंड एंट्री के साथ, ठीक है। जो हमारे पास तीसरा रुकन है कालब का, उसको हम दूसरे रुकन से ज़रब देंगे माइनस के साथ, फिर जब हमने 2 को 5 से ज़रब दिया 10 आया, माइनस लगाया 4 को 3 से ज़रब दिया 12 आ गया, 12 से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसके साथ चूंकि हमारे पास जो बड़ी अदद है वो 12 है, उसका साइन माइनस में है, इसलिए ये जो आंसर आ गया उसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे। इस तरह हम कालबों का मक्ता मालूम करते हैं। फिर आगे आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास कि अगर मैं किसी भी कालब ए का, फ़र्ज़ करें मेरे पास ए कालब है, उसका मैं डिटरमिनेंट लूँगी और वो मुझे आंसर देगा 0, तो इस तरह के हम कालब को कहते हैं नादिर कालब, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब अगर हम इसको, इसका डिटरमिनेंट मालूम करें, डिटरमिनेंट ए बराबर है, इसको मैं इसे ज़रब दूँगी 6 ज़रब 3 माइनस लगा के ये इससे ज़रब होगा 9 ज़रब 2, 6 ज़रब 3 6 3 18 माइनस 9 2 18 जमा 18 है, ये माइनस 18 है, क्या बन गया 0 बन गया। यानी जब मैंने कालब ए का डिटरमिनेंट लिया तो आंसर मेरे पास 0 आ गया। इस तरह के हम कालब को कहते हैं नादिर कालब, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी गैर नादिर कालब। इसमें क्या है कि अगर मैं किसी कालब ए का डिटरमिनेंट लूँगी और वो बराबर नहीं होगा 0 के, यानी जो इसका आंसर होगा वो 0 नहीं होगा, इस तरह के कालब को हम कहते हैं गैर नादिर कालब, ठीक है। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, एक कालब है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट मालूम करूँ क्या बनेगा, यानी अगर कालब ए का मैं मक्ता मालूम करूँ, सबसे पहले हम इसको इससे ज़रब देंगे, पहली कालब के पहले रुकन को कालब के आखिरी रुकन से ज़रब देंगे 2 ज़रब 2 माइनस लगा के,
तीसरी रुकन को अगर हम दूसरे रुकन के साथ ज़रब दें, चार ज़रब सात, दो ज़रब दो, दो दूनी चार हो गया, माइनस चार सात अट्ठाईस हो गया। जब अट्ठाईस से चार माइनस करेंगे चौबीस बन जाएगा। बड़ी अदद हमारे पास क्या है, अट्ठाईस है, चूँकि इसके साथ माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम यहाँ इसके साथ लगा देंगे। तो क्या हुआ कि जो कालप ए का मक्ता था वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास नादिर गैर नादिर कालब, ये हमारे पास था नादिर कालब, यानी जब इसका मक्ता लिया जाए वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, और गैर नादिर कालब जब हम किसी कालब का मक्ता लेंगे वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, इस कालब को हम गैर नादिर कालब कहेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि अगर कोई कालब ए है मेरे पास, फर्ज करिए ये ए कालब है, ए बी सी डी, इस कालब का हम एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, ये मेरे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किसी भी दो 2x2 ऑर्डर का यानी 2x2 मरतबे का जो कालब है उसका हम एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, जस्ट उसमें जो वितरी अरकान है, ठीक है, वितर के अरकान की जगह तब्दील करेंगे, और वितरी अरकान के अलावा जितनी भी ये जो दो अरकान हैं इनका हम साइन चेंज करेंगे, यानी इनकी हम अलामतें तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम जाहिर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, किसी भी कालब के एडजॉइंट को हम इससे प्रेजेंट करते हैं। हमने कहा जो वितर के अरकान हैं वो तब्दील होते हैं, जैसे डी हमारे पास यहाँ आ गया, ए यहाँ पे आ गया, ठीक, और वितर के अलावा बाकी जो अरकान हैं उनका साइन चेंज होता है, जैसे ये प्लस बी था यहाँ पर ये माइनस बी बन गया, ये प्लस सी था यहाँ पे ये माइनस सी बन गया। इस तरह हम किसी भी कालब का एडजॉइंट मालूम करते हैं कि वितर के अरकान की जगह तब्दील करेंगे और जो बाकी अरकान हैं उनका जस्ट साइन यानी अलामतें चेंज करेंगे। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ये बी कालब है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास बी कालब है, इसका एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे, हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी बराबर है वितर के अरकान की जगह तब्दील करेंगे, यानी जो यहाँ पे आखिरी था यहाँ पहला बन जाएगा, जो पहला था वो यहाँ पे आखिरी बन जाएगा, इस तरह। जबकि ये जो हमारे पास बाकी दो अरकान हैं इनके हम साइन चेंज करेंगे, अलामतें तब्दील करेंगे, जैसे ये माइनस थ्री है तो ये प्लस थ्री यहाँ पे बन गया, अगर मैं प्लस साइन ना भी लगाऊँ वो ये ज़ाहिर करता है कि इसके साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही नंबर है, ठीक है। जैसे ये फोर है हमारे पास, ये प्लस में था ये माइनस में हमने लगा दी, इस तरह हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ बी बन गया। क्या किया हमने कि जो वितर के अरकान थे उनकी जगह तब्दील की, आखिरी अरकान को हमने पहला यहाँ पर बना दिया, जो पहला रुकन था इसका उसको हमने आखिरी रुकन बना दिया, फिर इस साइड की अरकान के साथ हमने क्या किया, इनकी अलामतें चेंज की, ये माइनस थ्री था यहाँ पे प्लस थ्री बन गया, जबकि ये प्लस फोर था यहाँ पे ये माइनस फोर बन गया। इस तरह हम किसी भी कालब का एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कालब का ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव, यानी कालब का ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी कालब का ज़रबी माकूस क्या होता है। जैसे हमने जमी माकूस पढ़ा था, इसी तरह हम अभी पढ़ते हैं ज़रबी माकूस, यानी कोई अगर मेरे पास एक कालब है इसको मैं ज़रब देती हूँ किसी ए इनवर्स के साथ, ठीक है, ये ए इनवर्स है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ए इनवर्स क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी कालब ए को उसके इनवर्स के साथ जब हम ज़रब देंगे हमारे पास आइडेंटिटी कालब आ जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर हम किसी ए इनवर्स कालब को किसी ए कालब के साथ ज़रब देंगे तब भी उसका जवाब आइडेंटिटी कालब ही आएगा, ठीक। कैसे होता है, ए इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एक बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह हम ए इनवर्स मालूम करते हैं कि अगर कोई कालब ए मेरे पास है उसका मैं इनवर्स कैसे मालूम करूंगी, कि जो कालब ए है उसका मैं पहले डिटर्मिनेंट लूंगी, मक्ता लेंगे, फिर जो है ना एडजॉइंट ऑफ ए यानी उस कालब का मैं एडजॉइंट लूंगी, मक्ता को मैं एक बटा मक्ता मतलब जो मक्ता है उसका हाफ
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से हम किसी भी कालब का इनवर्स लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या करना है, सवाल ये है कि अगर ए मैट्रिक्स है तो सबसे पहले क्या मालूम करें, ए इनवर्स मालूम करें, फिर उसके बाद हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है कि अगर ए मैट्रिक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, एक बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, 3, 5, 2, 4, ठीक। जब हमने डिटरमिनेंट लगा दिया, यानी डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का मालूम करेंगे, तो उसके साथ ये हम ब्रैकेट्स हटा के डिटरमिनेंट की ही अलामत लगाएंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट की तरह ये सीधी लाइन, पहले यहाँ से लगा लिया, फिर यहाँ से लगा लिया, फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। जैसे ये है हमारे पास, 3 को हम 4 से ज़रब देंगे, 3 ज़रब 4, माइनस लगा के 2 ज़रब 5, क्या बन गया, 3 चौक 12 माइनस 2 5 10, क्या आया हमारे पास जवाब, 2 आया। अच्छा, हमेशा याद रखना इनवर्स उन्हीं मैट्रिक्स का लिया जाता है जहाँ पे ए डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं हो, यानी जब हमारे पास कोई भी कालब गैर नादिर कालब होगा तभी हम जो है ना उस कालब का इनवर्स मालूम कर सकते हैं। इनकेस अगर ऐसा आता है कि हमने उस कालब का मक्ता लिया, उसका जवाब 0 आया, हम साथ में लिख लेते हैं, चूँकि ये हमारे पास नादिर कालब है इसलिए इस कालब का जो इनवर्स है वो मुमकिन नहीं है, ठीक। यहाँ भी हमारे पास जवाब क्या आया, 2, जो कि हमारे पास क्या था, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, तभी इस कालब का, जो कालब ए है हमारे पास, इसका इनवर्स मुमकिन है, ठीक। अब हम क्या मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने सीखा कैसे मालूम करते हैं, जो वितर के अरकान हैं उनकी जगह तब्दील करेंगे, उनके अलावा जो बाकी अरकान हैं उनके सिर्फ अलामतें तब्दील करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास एडजॉइंट क्या है, जैसे ये 3, 4 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 4, 3 बन जाएगा। इसके साथ प्लस अलामत है, इसके साथ भी प्लस अलामत है, तो ये क्या बनेगा, -5 बन गया और ये -2 बन गया। इस तरह से हमने एक कालब का एडजॉइंट मालूम किया, ठीक है। अब हमने ये वाला देखेंगे पोर्शन, जो हम इनवर्स के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए इनवर्स क्या था कि 1 बटा ए डिटरमिनेंट ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे ए डिटरमिनेंट की जगह इसकी वैल्यू लगा दूंगी और ए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसका कॉलब लिख देंगे। कैसे करेंगे हम लोग, ए इनवर्स बराबर है 1 बटा, क्या आया था हमारे पास डिटरमिनेंट, 2 आया था, 1 बटा 2, कालब एडजॉइंट का क्या आया, 4 माइनस 5 माइनस 2 3, ये आया हमारे पास ए इनवर्स, ठीक है। इस तरह से हम ए इनवर्स मालूम करते हैं कि किसी भी कालब का सबसे पहले हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, फिर उसके बाद उस कालब का हम एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर जो हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला है, जैसे ये हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला है, जो डिटरमिनेंट हमने मालूम किया 2 आया, हम यहाँ पे वही लिख देंगे जैसे यहाँ पे हमने कर लिया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह जो एडजॉइंट ऑफ ए का कालब आया था वो हमने लिख दिया। तो इस तरह से किसी भी कालब का इनवर्स मालूम किया जाता है। अब हम आते हैं इस कंडीशन की तरफ, जो हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर किसी ए कालब को हम ए इनवर्स कालब के साथ ज़रब देंगे, उसका आंसर आइडेंटिटी कालब आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी ए इनवर्स कालब को हम ए कालब के साथ ज़रब देंगे, उसका जवाब आइडेंटिटी कालब आएगा, ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू ए इनवर्स। अब ए कालब हमारे पास क्या था, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 4,
इंटू ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ये आया हमारे पास ए का लब क्या है हमारे पास 3524, ए इनवर्स का लब हमारे पास क्या है 1/2 4 -5 -2 3। 1/2 को साइड पे लेके आते हैं 3 5 2 4 4 -5 -2 3। ठीक है, कैसे करेंगे 1/2। अब हम इन दोनों कॉलम को ज़रब देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले ज़रब देते हैं 3 ज़रब यानी 3 ज़रब 4 -5 ज़रब -2 5 ज़रब -2। फिर पहली कतार को हम दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे 3 ज़रब -5 ज़रब 3, जैसे हम ज़रब के प्रोसेस में करते आ रहे थे। दूसरी कतार को हम पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे, फिर दूसरी कतार को हम दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे 2 ज़रब 4 जमा 4 ज़रब -2। ठीक, फिर 2 ज़रब -5 जमा 4 ज़रब 3। क्या है हमारे पास जवाब 1/2 3 ज़रब 4 12 जमा -। हमें पता है जो जमा माइनस की कंडीशन है कि अगर हम जमा को ज़रब देंगे जमा से तो हमारे पास जवाब जमा ही आता है। जमा को अगर ज़रब देंगे किसी माइनस से तो जवाब माइनस आता है। माइनस को अगर हम ज़रब देते हैं जमा से तो जवाब माइनस आता है। और अगर माइनस ज़रब माइनस होता है इसका जवाब जमा आता है। ये हमारे पास बेसिक्स है, हम ये अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जब जमा 5 है ज़रब माइनस 2 है। जमा को मैंने माइनस से ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आया जमा ज़रब माइनस माइनस ही आता है। यहाँ पे 5 ज़रब 2 10 हो गया। ठीक, फिर जमा 3 है ये -5 है, जमा माइनस माइनस 3 ज़रब 5 3 5 15 हो गया। जमा का निशान 5 दिया 15। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 ज़रब 4 4 2 8 हो गया। जमा माइनस माइनस 8 बन गया ये भी 4 ज़रब 2। जमा माइनस माइनस 5 2 10 जमा 4 3 12 ये बन गया। अब हम देखते हैं ये आगे क्या होगा। 1/2 12 - 10 2 बन गया, -15 जमा 15 0 बन गया, जमा माइनस कट गए, जमा 8 - 8 ये भी कट गए 0 बन गया, -10 जमा 12 क्या बन गया 12 से जब हम 10 माइनस करेंगे 2 बच जाता है, क्योंकि हमारे पास 12 बड़ी अदद है इसके साथ जमा है इसलिए हमने यहाँ पे भी जमा साइन ही लिख दिया। अब इस 1/2 को मैं पूरी ब्रैकेट से ही ज़रब दूंगी, क्या बनेगा ये 2 ज़रब 1/2 0 ज़रब 1/2 0 ज़रब 1/2 2 ज़रब 1/2 क्या बन गया ये 2 2 से कैंसल हो गया, क्या रह गया 1। 0 को मैं किसी भी अदद से जब ज़रब दूंगी तो हमारे पास वो 0 ही आता है। ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, 2 2 से कैंसल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, जो कि मेरे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने किसी ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ ज़रब दे दिया आखिर में मेरे पास जवाब क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड क्या है कि ए इनवर्स को जब मैं किसी ए मैट्रिक्स के साथ ज़रब दूंगी उसका जवाब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि हमारे पास क्या है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास ए इनवर्स है,
एक बटा दो, चार माइनस पाँच, माइनस दो तीन, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तीन पाँच दो चार, एक बटा दो, चार ज़रब तीन जमा माइनस पाँच ज़रब दो, ठीक है, फिर चार ज़रब पाँच जमा माइनस पाँच ज़रब चार, माइनस दो ज़रब तीन, माइनस दो को सबसे पहले पहली रकम को पहली रकम के साथ हम ज़रब देंगे, माइनस दो ज़रब तीन जमा तीन ज़रब दो, माइनस दो ज़रब पाँच जमा तीन ज़रब चार, क्या बन गया ये, एक बटा दो, चार ज़रब तीन बारह जमा माइनस माइनस पाँच दूनी दस, चार ज़रब पाँच बीस जमा माइनस माइनस पाँच चौके बीस, दो तिया छः माइनस छः आ गया जमा माइनस के साथ, फिर जमा तीन दूनी छः, दो पाँच दस जमा माइनस माइनस बन जाता है, जमा चार तिया बारह, ये हमारे पास आ गया। अब आगे आते हैं हम, एक बटा दो क्या आया हमारे पास वहाँ पे आंसर, बारह माइनस दस दो बन गया, माइनस बीस जमा बीस ज़ीरो बन गया, माइनस छः जमा छः ज़ीरो हो गया, माइनस दस जमा बारह दो हो गया, क्या करेंगे एक बटा दो को पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब देंगे, दो ज़रब एक बटा दो, ज़ीरो ज़रब एक बटा दो, ज़ीरो ज़रब एक बटा दो, दो ज़रब एक बटा दो, कैंसल हो गया दो दो से एक आ गया, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये जब कैंसल हो गया यहाँ भी वन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। हम क्या कहते हैं मसावात एक और दो का मवाजना करने से, जब हम मसावात एक जो हमारे पास ये आया था, फिर इसका मवाजना जब हम मसावात दो के साथ करेंगे, तब हम क्या साबित करते हैं ये वाली कंडीशन कि अगर किसी ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ ज़रब दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, बिल्कुल इसी तरह अगर किसी ए इनवर्स को उसके ए मैट्रिक्स के साथ ज़रब दिया जाए इसका जवाब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट मालूम किया सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, इसको कैसे मालूम करते हैं, फिर हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, नादिर एंड गैर नादिर जो कालम है हमारे पास उनका डेफिनेशन दिया कि अगर किसी डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसका जवाब ज़ीरो आता है वो हमारे पास नादिर कालम होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं उसका जवाब ज़ीरो के अलावा यानी वो माइनस में हो या प्लस साइन में हो वो हमारे पास गैर नादिर कालम होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनवर्स क्या होता है हमारे पास, इनवर्स हमारे किसी भी कालम का इनवर्स हम कैसे लेते हैं कि उसके डिटर्मिनेंट को तकसीम करते हैं और ज़रब देते हैं उस कालम के एडजॉइंट के साथ, ठीक, एग्जांपल के थ्रू हमने सॉल्व किया कि इनवर्स कैसे लेते हैं, सिंपल वही मेथड कि कालम का हमने पहले डिटर्मिनेंट लिया फिर हमने इसका एडजॉइंट लिया, फार्मूला क्या था कि ए इनवर्स बराबर है एक बटा डिटर्मिनेंट यानी जो डिटर्मिनेंट है वो तकसीम हो रहा है ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए जो एडजॉइंट ऑफ ए का कालम था, जब हमने सॉल्व किया हमारे पास ए इनवर्स का आंसर ये आ गया। फिर हम आते हैं इस कंडीशन की तरफ कि किसी कालम ए को अगर हम ए इनवर्स के साथ ज़रब देंगे उसका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, सिमिलरली अगर किसी ए इनवर्स कालम को हम किसी ए मैट्रिक्स के साथ ज़रब देंगे
तो उसका जवाब भी आइडेंटिटी कॉलम ही आएगा। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू ए इनवर्स एक बटा दो को हम इस तरफ लाए ताकि कालबों को हम आसानी से ज़रब दे सकें। जब हमने कालबों को ज़रब दे दिया एक बटा दो, जो हमारे पास आखिरी कालब का आंसर आया वो ये था, फिर हमने क्या किया, इस एक बटा दो को पूरे कालब के साथ ज़रब दे दिया। ज़रब देने के बाद हमारे पास आंसर कालब ये आया, जो कि हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी कालब है। फिर हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया कि एक बटा दो है हमारे पास, एक बटा दो इंटू दिस मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास ए मैट्रिक है, ठीक। एक बटा दो बाहर ही रह गया, इस कालब को हमने इस कालब के साथ ज़रब दे दिया। ज़रब देने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई कि एक बटा दो 2002। जब हम वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आखिर ये कालब आ गया। हमने क्या किया, ये इस एक बटा दो को कालब के अर अदद के साथ ज़रब दे दिया। ज़रब देने के बाद हमारे पास ये कालब आखिरी फाइनल जो आंसर आया ये आया। फिर हमने इसको मसावात दो का नाम दिया, वो मसावात वन था, ये मसावात दो है। हमने क्या किया, इनका जब हम मवाजना करेंगे हमें क्या साबित हो गया, इसका भी जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका जवाब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब क्या हुआ कि अगर किसी एक कालब का उसके इनवर्स के साथ ज़रब देंगे हमें आइडेंटिटी कालब मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी ए आइडेंटिटी कालब को, ए इनवर्स कालब को ए के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी कालब ही आएगा। यहाँ तक हमने ये साबित, ये हमारे लेक्चर का आज के पॉइंट्स थे जो हमने सीख लिया, डिटर्मिनेंट्स और उसके हवाले से और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज के हमारे लेक्चर में, जो कि डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट एंड इनवर्स, जो हमारे पास ज़रबी माकूस है, कालब का ज़रबी माकूस है, ये हमने सीख लिया एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम इन्हीं ही प्रोसेस से है कि आप किसी कालम का डिटरमिनेंट कैसे मालूम करेंगे, एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे और इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, और सेम इसी प्रोसेस के जब क्वेश्चंस आएंगे कि आपने इस कंडीशन को प्रूव करना है, कैसे आप ये प्रूव कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे।